नमस्कार बीसीएन न्यूज के चुनावी महासंग्राम 2024 में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जो कि प्रशांत पवार वो अध्यक्ष भी है नागपुर शहर के इनसे हम बातचीत करने वाले हैं हम सबको पता है कि लोकसभा चुनाव जो है कुछ ही दिनों पर है लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और उसी श्रृंखला में हम उनसे बातचीत करने वाले हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से किस तरह की रणनीति बनाई गई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा समीकरण राज्य का बदल चुका है मैं तो पहले वीसीएम न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपने मुझे यहाँ बुलाए और आपका जो प्रश्न है कि हमारी रणनीति हमारी रणनीति तो हम महायुति में ऑलरेडी है और हमारे महायुति के उम्मीदवार माननीय नितिन जी गडकरी साहब है तो रणनीति का कोई विषय नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने पूरे दस साल में नागपुर शहर में जो काम किया हुआ है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकी कोई पक्ष के पास उम्मीदवार भी नहीं है उस लेवल का कि जो आज के डेट में ऐसा बोल सके कि ये चुन के आ सकता है वगैरह इसलिए हमको ऐसा बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल जिस तरह से आपने अभी बताया कि नितिन गडकरी जो कि चुनकर आने वाले ही है ये सबको पता है ऐसा आपने बताया और विपक्ष के पास प्रत्याशी नहीं है उम्मीदवार नहीं है देने के लिए लेकिन कभी आप इनके खिलाफ ही बातें करते थे और ऐसी ही स्थिति अब संभ्रम की स्थिति जो है कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है आपके पास जो है घड़ी ये चिन्ह है लड़ने के लिए लेकिन जो पार्टी शरद पवार गुट जो है उन उनके पास जो है सर्वे सर्वा है पार्टी के शरद पवार तो ऐसे में किस तरह से मतों का विभाजन होगा क्या लगता है आपको नहीं मैं पहले तो आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ हमारे नागपुर के जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गडकरी साहब के कभी खिलाफ में नहीं बोला मैं जो जहां जहां करप्शन होता था भ्रष्टाचार होता था मैं उसके खिलाफ में बोलता था मैं डेवलपमेंट के कभी खिलाफ में नहीं गया आज तक के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं गया कोई बोलते हैं कि आपने मेट्रो के खिलाफ में बोला मैंने बिल्कुल मेट्रो के खिलाफ नहीं हम मेट्रो में जो अनियमितता थी उसके खिलाफ हम बोलते थे लेकिन आपके मीडिया वाले बस टारगेट हमको कर देते थे कि आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं इसके खिलाफ बोल रहे हैं हम ऐसा कोई किसी के खिलाफ नहीं हो रहा जो इरेग्यूलिटीज थी उसके खिलाफ बोलते थे और वो तो मैं बोलते रहूँगा देखो जनता का जहां पे पैसा लगा हुआ है और वहां अगर कोई ऑफिसर लोग प्रशासन अगर कुछ मनमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना मेरा तो काम है मेरा पक्ष का भी काम है लेकिन बाकी भी पक्ष के लोगों ने ये काम करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ अभी दो तीन दिन से रोज डिबेट चल रहा है हमारे आप पार्टी का जिस हिसाब से वो बोलते हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था तब आप आदमी पार्टी कहां थी था तब क्या वो लोग सोए थे क्या तब उनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जहा ये दारू कांड में फंसा हुआ है जिसके लिए अन्ना हजारे का सहारा लेते जो आदमी आज दिल्ली के राज्य पे मुख्यमंत्री करके बैठा हुआ है उस आदमी को आज जेल हुई है जो पूरे देश के लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ रास्ते पे उठाने वाला अगर कोई आदमी है तो वो केजरीवाल और अन्ना हजारे जी थे उसका फायदा लेके उसने खुद ने अपनी एक फौज बना ली और दारू कांड में वो खुद फंसे हुए आज वो जेल की दीवार तो कहने का मतलब ऐसा है कि जहां पे जनता का पैसा लगा हुआ है जनता के पैसे के खिलाफ उठ, आवाज उठाना ये कोई गलत नहीं है ऐसे मुझे लगता है बिल्कुल अब आप महायुति के साथ हो आपका पा, आपकी पार्टी महायुति में है ऐसे में आप अभी भी अनियमितता होती है तो बोलोगे हाँ बिल्कुल बोलूंगा मैं उसमें तो कोई नहीं कोई विषय नहीं अभी ये चार पांच दिन पहले आप भी मेरे साथ में थी कारपोरेशन में मैंने पानी के लिए मोर्चा निकाला था आज जनता को अगर पानी पीने नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ तो मेरे को जाना ही पड़ेगा हमारे नेता अजीत दादा पवार है प्रफुल्ल भाई पटेल जी है सुनील तटकरे जी है राजेंद्र जैन है ये क्या ये जनता की सेवा करने के लिए तो सुबह छह बजे से तैयार रहते जनता की सेवा करते करके ही तो इनका नाम है ना नहीं हम नहीं। हमको तो सिर्फ जनता की सेवा करना है बाकी हमारे को कोई बाकी इससे लेना देना नहीं है और गडकरी साहब जिस हिसाब से जनता की सेवा कर रहे हम उनके साथ में उनके प्रचार में हम उनके कंधे को कंधा लगा के प्रचार करेंगे बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का उतना अस्तित्व विदर्भ में नहीं देखा गया है आप किस तरह से आप प्रचार में मतलब किस तरह से नियोजन रहेगा आने वाले चुनाव को लेकर लोकसभा हो या विधानसभा अभी देखिए लोकसभा तो हम लड़ नहीं रहे हम महायुति में गडकरी साहब के साथ में भाजपा के साथ में है लेकिन आप अगर देख रहे होंगे तो नागपुर शहर में जो पहले राष्ट्रवादी की ताकत थी उससे परसेंट ज्यादा आज हमारे अजित दादा पवार के नेतृत्व में प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में सुनील तटकरे जी राजेंद्र जैन जी के नेतृत्व में आज नागपुर शहर में उत्तर नागपुर बोलो दक्षिण नागपुर बोलो पश्चिम नागपुर बोलो पूर्व नागपुर बोलो दक्षिण पश्चिम में बोलो यहाँ पे हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है हमारे ऑफिस में रोज प्रवेश लेने वाले इतने लोग आते कि आप सोच नहीं सकते कल तो मेरे ऑफिस में कम से कम ढाई सौ तीन सौ लेडीज ने प्रवेश किया उस दिन मोर्चे में आप थी तो आपने देखी दो ढाई सौ लेडीज मोर्चे में थी आज कौन से पार्टी के पास में इतने लोग है कौन हमने तो कोई पैसे दे तो लाए हुए नहीं हाँ जनता के ऊपर में जो अड़चन है वो अड़चन दूर करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित दादा प्रफुल भाई पटेल के नेतृत्व में नागपुर शहर में पूरा काम चल रहा है बिल्कुल में दोनों जो पार्टी है उसके मुकाबले आपका जो सीट बंटवारा हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हो और क्या आपको अभी भी महायुति में घटक पार्टी की ओर पे ही देखा जा रहा है ऐसा आपको लग रहा है कि सीट बिल्कुल बंटवारा हो रहा है अभी लोकसभा के बाद में विधानसभा में सीट बंटवारे पे तो बिल्कुल बात होंगी हंड्रेड परसेंट होंगे और हमको सीट मिलेंगी इसमें कोई हम तीन सीट तो मांगने वाले विधानसभा में और कार्पोरेशन में भी हम चालीस पचास सीट मांगे क्योंकि हमारी ताकत बढ़ रही है ना ताकत कम रहती तो हमारा हमारा पावर कम रहता था बार्गेनिंग पावर नहीं होता था लेकिन जिस हिसाब से आप लोग भी बोलो बाकी प्रिंट मीडिया बोलो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलो आपके सामने है सब ऐसा अच्छा कोई छुपा नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। अभी आप ये देख लो यहाँ का रामदास पेट का पुलिया हम लोगों ने वहां आंदोलन तो किया उनसे उन हमने टाइम लिया वो टाइम पे बराबर वो ब्रिज शुरू करके दिखा तो ये हमारी ताकत है हम जनता के बीच में और जो जनता के बीच में उसको जनता सबसे पहले सर पे बिठा लेंगे इसमें कोई बात नहीं ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव या महानगर पालिका चुनाव में लोकसभा की पुनरावृत्ति होती है तो किस तरह का नियोजन होगा आगे नियोजन तो ऐसी होगा हम लोग भाजपा के साथ में और बाकी भी जो घटक पक्ष हमारे आ, कवाड़े सर का जी, सर जी का भी है और भी बहुत सारे पक्ष उनके साथ में बैठ के आ, हमारे ऊपर जो भी अजीत दादा पवार है प्रफुल पटेल साहब है वो नियोजन अच्छे से करेंगे क्योंकि हमारे को भी हमारा पक्ष बढ़ाना है तो वो हिसाब से कुछ ना कुछ तो सीट बंटवा रहे में अच्छा ही कुछ होगा इसमें कोई बात नहीं बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा कि पिछली लोकसभा में आप अलग पार्टी में थे अलग लोगों का प्रचार हो रहा था अब आप जो है महायुति में हो भाजपा के साथ हो शिंदे गुट आपके साथ है ऐसे में नागपुर लोकसभा से नितिन गडकरी ये लड़ने वाले हो इनका प्रचार आप करने वाले हो अभी आपने बताया आप साथ ही बारामती जाने वाले हो सुमित्रा पवार इनके प्रचार के लिए तो ऐसे में यहाँ किस तरह से आपका नियोजन होगा प्रचार को लेकर या कार्यकर्ताओं को आप क्या बताना चाहोगे हम लोगों का कल जो मीटिंग हुई उसमें हमारा ऐसा नियोजन हुआ है और हम भाजपा के जो भी प्रमुख लोग रहेंगे उनके साथ भी हमारी बैठक है हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे विभाग अध्यक्ष है उसकी नीचे की पूरी लाइन है बाकी हमारे शहर के पदाधिकारी है प्रदेश के पदाधिकारी है महिला अध्यक्ष है ये सबके साथ में हर एक एरिया में जा जाके हम लोग हमारे जितने भी पदाधिकारी रहेंगे विधानसभा वाइज उनके थ्रू इनके साथ में मिलके हम लोग प्रचार में उतरेंगे इसमें कोई ये नहीं और अच्छे से प्रचार होगा उत्तर में हो गया इसमें तो हमारे तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है सब डेवलपमेंट के काम में हम लोग साथ में उनके हम लोग हमारे कार्यकर्ते आज भी डेवलपमेंट के लिए रास्ते पे उतरे हुए हैं और काम कर रहे पब्लिक का इसलिए कोई हमको ऐसा बहुत तकलीफ होंगी ऐसा कुछ चाहिए नहीं बिल्कुल जिस तरह से आपने अभी बताया कि आपकी ताकत मतलब राष्ट्रवादी की जो ताकत है अभी फिलहाल बढ़ रही है विधानसभा को लेकर भी आपका नियोजन चल रहा है ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आप भाजपा के साथ जाकर प्रबल हो रहे हो नहीं नहीं भाजपा के साथ में प्रबल होने का विषय नहीं है देखो महायुति में महायुति का धर्म है कि जो जितने भी पक्ष हमारे साथ में उनकी सबकी ताकत हमारे वजह से बढ़े सब मिलके एक बहुत बड़ा यूनिट तैयार हो और वो यूनिट के माध्यम से जैसा एक आधा पावर प्लांट रहता उसमें 500 मेगावाट बिजली तैयार होती है वो कैसी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे वैसी हम सब मिलके एक बहुत बड़ा पावर तैयार करेंगे और उसमें से सब लोग कैसा कैसा ये मिलेगा उसमें हिस्सा मिलेगा ये ऊपर के लोग डिसाइड करके बराबर करेंगे इसमें कोई ये नहीं है प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल कई बार आपको देखा गया है कि जो भी शहर में गलत होता है या अनियमितता देखी जाती है तो आपकी ओर से हर बार पत्रकार परिषद हो या मोर्चा आंदोलन के माध्यम से समस्याओं को सामने रखा जाता है पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके सामने रखा जाता है ऐसे में हम देख रहे हैं कि मेट्रो का भी कहीं ना कहीं काम जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है कुछ काम जो है वो अभी बहुत ही धीमी गति से हो रहा है तो ऐसे में अब आपकी क्या एक प्रतिक्रिया होगी और जो विकास है नागपुर शहर का उसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे देखो आपका जो पहला प्रश्न है मेट्रो का धीमी गति से चल रहा है रिच वन का जो पहला फेज है वो पहला फेज तो पूरा कंप्लीट हो चुका है दूसरे फेज का अभी पैसा आया हुआ है फंड्स जो रुके हुए थे तो मेरे ख्याल से अभी मैंने एक पांच दिन पहले देखा कि वो भी टेंडर्स हुए कुछ ऑर्डर्स भी उन्होंने दिए है तो सेकंड फेज का भी काम बहुत फास्ट शुरू हो गया है हम लोगों ने हम लोग फिर से ये इलेक्शन के बाद में गडकरी साहब के साथ बैठ के फडनवीस साहब के साथ बैठ के अजित दादा के साथ में बैठ के हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ के लोकल लोगों को काम दो लोकल लोगों को नौकरी दो ये मेरी तो पहले से डिमांड रही है लेकिन अभी फिर से हम लोग ये डिमांड सामने में रखेंगे हमने इसके पहले अजित दादा के पास में रखा था ये अधिवेशन में अजीत दादा ने उनको बोला था कि हमारे लोकल लोगों को काम मिलना चाहिए बाहर के लोगों को देना हमारा को उसका नहीं लेकिन जो लोकल लोगों को पचहत्तर परसेंट उनको लेना चाहिए वो का जॉब में बोलो या तुम्हारा छोटे छोटे जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको काम दिलाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे और वो होगा उसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप पहले दूसरे पार्टी के लिए प्रचार करते थे कार्यकर्ता भी अब कार्यकर्ताओं में किस तरह की स्थिति है और आप क्या आह्वान करना चाहोगे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर देखो स्थिति ऐसा होता है कि आज ठीक है हम लोग युति में काम कर रहे तो हमको युति का धर्म तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि जब हम अकेले लड़ते थे तब हम अलग प्रचार करते थे अब युति में है तो युति का प्रचार करना पड़ेगा हमारे सब पदाधिकारी रहो कार्यकर्ता रहो वो युति के लिए ही काम करेंगे और गडकरी साहब का जो जिस हिसाब से विजन है एक विकास पुरुष करके भी उनका विजन है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा यानी उनके जो विजन विचार जो है वो विचार बहुत पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से अभी आगे में जैसा उन्होंने एम्स लाया है उन्होंने मेट्रो लाई है सीमेंट रोड है फ्लाईओवर है अभी फ्लाईओवर का तो ऐसा है अपने नागपुर में अगर तीस लाख लोग होंगे तो दस लाख तो गाड़ी ही दिख रही मेरे को तो आज पार्किंग के लिए जगह नहीं है तो ये फ्लाईओवर से जो ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी अलग अलग इसमें ट्रैफिक जाम नहीं होगा वो काम बहुत अच्छा हो रहा है मैं तो बोलता हूँ अभी एक वाड़ी से उन्होंने डायरेक्ट इस्लॉब कॉलेज तक के जो फ्लाई लाया है वो तो बहुत ही अच्छा है हम लोग अगर वहां रहते हैं तो वहां से पाँच मिनट के अंदर हम लोग वहां तक के पहुंच जाएंगे वहां से हम बर्डी का फ्लाई पकड़ के एयरपोर्ट निकल जाएंगे यानी पहले एयरपोर्ट जाने के लिए हमको आधा घंटा लगता था हम अभी दस मिनट के अंदर पहुंच तो ये गडकरी साहब का जो विजन है वो विजन बहुत अच्छा विजन है उन्होंने और भी कुछ और का निर्माण करने का बोला है और कुछ जगह पे हो भी रहा है शुरू काम भी शुरू हुआ मैं सभी जनता को नागपुर के एक ही बोलूंगा कि जो विकास पुरुष है नागपुर शहर के माननीय गडकरी साहब इनके पीछे आप ताकत से खड़े रहे इनको चुना के लाए और पिछले वक्त वो ढाई लाख वोट से चुनके आए थे इस वक्त वो पांच लाख वोट से चुनके देना चाहिए और आएंगे क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने नागपुर का विकास किया है और विकास पुरुष को चुनके लाना ये हमारा काम है और आने वाले दिनों में और भी वो विकास करेंगे और भी नागपुर को एक नंबर पे लेके जाएंगे इसमें कोई दो मत नहीं है मियान को भी डेवलप करेंगे एयरपोर्ट भी डेवलप होगा नागपुर शहर भी डेवलप होगा और वो करने की उनमें ताकत है इसलिए मैं मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे सब पदाधिकारी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजीत दादा गट को हम मैं आह्वान करता हूँ खड़े राज्य की राजनीति में जब से हम देख रहे हैं कि समीकरण बदल गया है अजित पवार गुट अलग हो गया है और इसके बाद अब लोकसभा चुनाव है और ऐसे में महायुति में अः अजित पवार गुट भाजपा के साथ है ऐसे में आपको जिनके विरोध में आप पहले थे उनका प्रचार इस बार करना है तो आप अभी आ, नितिन गडकरी का प्रचार करने वाले हो या नहीं क्योंकि आप सुनित्रा पवार इनके प्रचार के लिए बारामती भी जाने वाले हो तो ऐसे में किस तरह से यहाँ का नियोजन है नहीं महायुति के उम्मीदवार हमारे माननीय नितिन जी गडकरी साहब है मैं तो उनका प्रचार इतने जोर से करूंगा क्योंकि मैंने पहले दिन से बोला है कि गडकरी साहब पांच लाख वोट से चुनके आएंगे और आएंगे अब मेरे शहर के जो उम्मीदवार है और वो महायुति के उम्मीदवार है तो उनको चुना के लाना तो मेरा काम है यानी हमारे पक्ष का काम है मैं भले ही उस वक्त अलग इसमें था लेकिन आज हम युति में रहने के कारण हमारा युति का धर्म है और वो विकास पुरुष है तो उनका तो प्रचार मैंने करना ही चाहिए रही बात सुमित्रा भावी की तो वो पांचवें चरण में है यहाँ का इलेक्शन होने के बाद हम वहां जाएंगे और उनको भी जब हम चुना के लाएंगे क्योंकि महायुति माननीय नरेंद्र मोदी साहब को इस बार 400 पार कराना है और ये इस देश के प्रधानमंत्री पद पे बिठाना है ये हमारा तरण है इसके लिए हम पूरे कोशिश से चार के 400 पार सीट कैसी आएंगे और महाराष्ट्र में 45 सीट चुना के लाने का काम महायुति का है उसके लिए अजित दादा ग्रुप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजीत दादा के नेतृत्व में प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में सुनील तटकरे जी के नेतृत्व में और हमारे विदर्भ में राजेंद्र जैन जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल जोर शोर से काम करेंगे इसमें कोई बात नहीं बिल्कुल तो हमने देखा कि चुनाव है और ऐसे में जो है महायुति हो या महाविकास आघाड़ी सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है और उसी श्रृंखला में महायुति की ओर से भी जितने भी घटक दल है वो सभी प्रचार में जुट गए साथ ही साथ नागपुर से नितिन गडकरी इन्हें चुनकर लाने का एक प्रण भी इन्होंने लिया है तो आज के चुनावी महासंग्राम में रुकना यही रुकते हैं देखते रहिए बीसीएन न्यूज नमस्कार